दिखा देंगे, पूरी वीडियो हम लोग दिखाए लेकिन कोई नहीं सुना हमारी। प्रशासन खुद जिम्मेदार है, पैसा लेके यसाई बैठा है, दरोगा खुद पैसा लिया, आज हमको जो ढांढस दे रहा है ना सब, कोई नहीं फील कर रहा हमारा क्या खोया है। वो आज हमको ढांढस दे रहा है, हम उनके मुँह पे उनको गालियाँ दे के भगा दे अपने घर से। आप बताइए भाई, आप बताओ, नहीं मेरा लल्ला हलाल हो गया, आपका क्या कहना इस बारे में, बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। बात कुछ उस दिन नहीं हुआ था, अचानक से अनुराग सुबह उठा, वो ब्रश कर रहा था, वो पीछे से तलवार लेके आया, वो मार दिया पीछे से, वो फिर दौड़ा लिया उसको मारने के लिए, तो उसके बड़े बड़े पापा के लड़के थे जो वकील साहब हैं, वो दौड़ा लिए, वो भाग गए, तो फिर बात खत्म हो गया। अनुराग के पीछे तब ब्रश कर रहा था उस टाइम, वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी था, उसकी छोटी बहन भी ताइक्वांडो खेली जो स्टेट लेवल, उसका भी मेडल है। अच्छा, बहन छोटी बहन भी यार इतना याद है, अभी हाल में ही बलिया में गई थी स्टेट लेवल में, उसका ब्रॉन्ज मेडल था इस बार। अच्छा, लेकिन उसने पूरी प्लानिंग किया था उसको जान से मारने के लिए। अच्छा, जान से मारने की पूरी प्लानिंग पहले से प्लानिंग से, नहीं तो सुबह सुबह किसके पास गुस्सा रहेगा किसी का जान मारने के लिए। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में, और जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत कबरी दूनपुर, जहां पर एक वारदात होती है, और ऐसी हृदय विदारक वारदात जिसे जिसने भी सुना उसका कलेजा दहल गया। और ये जो उनके कोच हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा था अनुराग यादव, क्या वो भी लड़ाई झगड़ा करता था या सीधा साधा था, क्या मामला था, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी संजय पाल, अनुराग के कोच हैं। संजय पाल जी। अच्छा, अनुराग बताया जाता है कि बहुत जगहों पर नेशनल खेल चुका है। जी, वो नेशनल ओपन नेशनल में उसका सिल्वर मेडल था, और इंटरनेशनल भी खेला था ओपन इंडो नेपाल में 2023 में। उसका अनुराग के घर से और लालता यादव घर से इतना क्या विवाद था कि उसकी गर्दन काट दी? विवाद कुछ ना था, वो जमीन जायदाद अनुराग का लेना चाहते थे। अनुराग इकलौता था अपने माता पिता का, उसके पास बहने थे, वो इकलौता था, उन लोग को जमीन लेना चाहते थे, सोचे थे इसको मार के अपना उसका जमीन ले लेंगे। अच्छा, तो उसी में जो है वो हत्या कर दी जमीन के लिए। उसी में हत्या कर दी है, घर पे कोई था भी नहीं था, उसके पिता भी जी नहीं थे अनुराग के, वो अकेले पाके इसको मार दिए। अच्छा, आपका भी इसी घर में का, इसी गांव में घर? नहीं, मेरा गांव तो गौरा बादशाहपुर, यहाँ से दूर है 7 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ पे है। तो इस गांव के लोग बताते हैं कि वो लालता यादव से बड़ा दहशत में रहते थे, ऐसा क्या था? अगल बगल सबको मुकदमा कर रखा था वो, सबको मुकदमा कर जी सबको मुकदमा रखा था। अच्छा, तो ये अनुराग यादव इस सब चीज़ों के बारे में कभी आपसे बताया? नहीं बताया था कि हमको जान से मारने के लिए धमकी देते हैं कि यहाँ हम लोग मार देंगे, जैसे धमकी देते थे। अच्छा जी, तो आपके पास जाता था यहाँ से, तो कहाँ सिखाते थे? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है गौरा बादशाहपुर, वहाँ पे जाता जी हम। अच्छा, अनुराग के साथ ही हम घर पर ही रहते थे लगभग 2-2.5 सालों से। अच्छा जी, आप? हाँ, हम साथ में यहीं पर साथ ही रहते थे। अच्छा, तो फिर उसको सिखाते थे? जी, सिखाते थे उसको, और उसको ले जाके मतलब कहीं जब होता था टूर्नामेंट में साथ में जाता था, देर रात मेरे साथ ही रहता था अनुराग, जो हत्या के दिन मैं उसके घर पे नहीं था उस दिन। अच्छा, उस दिन कहाँ थे आप? उस दिन मैं अपने घर पे था। अच्छा जी, वो जब सूचना मिला तो मैं 10 मिनट में अपने यहाँ पे आ गया अनुराग के घर में। तो जिस दिन ये उसका गर्दन कटा अनुराग यादव का, तो उस दिन कुछ विवाद हुआ था? विवाद कुछ उस दिन नहीं हुआ था, अचानक से अनुराग सुबह उठा, वो ब्रश कर रहा था, वो पीछे से तलवार लेके आया, वो मार दिया। तो कुछ मतलब कुछ भी तो ऐसा रहा होगा कि डायरेक्ट जो है वो मारने के लिए थे? नहीं, जैसे अनुराग रास्ते में ईंट पड़ा हुआ था, तो अनुराग सोचा उसको हटा के बगल कर दूं, तो उन लोग लगा कि कुछ वो कर रहा है, कुछ ईंट उठा रहा है, रख रहा है, क्या कर रहा है, तो अनुराग कुछ बोला नहीं, तो पीछे से वो फिर दौड़ा लिया उसको मारने के लिए, तो उसके बड़े बड़े पापा के लड़के थे जो वकील साहब हैं, वो दौड़ा लिए, वो भाग गए, तो फिर बात खत्म हो गया। अनुराग के पीछे वो तब ब्रश कर रहा था उस टाइम, वो लेके आए तलवार और पीछे से मार दिया, अनुराग देख भी नहीं पाया कौन मार रहा है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जिसने भी वो सारी चीज़ें घटनाएं देखी थी वो पूरा ये अभी बता रहे हैं, लोग गांव वाले भी उनके खिलाफ कुछ बात नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे लालता यादव को, गांव वाले को, जैसे गांव के लोग हैं कह रहे हैं कि वो अगर निकलते हैं तो फिर गांव के लोगों को परेशान करेंगे ऐसा। जी, पूरा गांव वाले से पूरा दहशत में था, सबको मारने की धमकी दी, अगल बगल सबका जो जमीन था जायदाद वो थोड़ा बढ़ा के हड़प हड़प के पूरा बाउंड्री करवा लिया था। तो अनुराग जब खेलता था तो आपसे कुछ कहता था कि नहीं आगे और भी करना है, हमें खेलना है ऐसा कुछ? अनुराग का सपना था कि इंडिया में जाने का, और ताइक्वांडो में ओलंपिक तक उसका सपना था खेलने का।
जी आपसे कहता था ये सारी चीज़। जी जी, वो खेलने में बहुत ही अच्छा था, वो बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन भी ताइक्वांडो खेली, जो स्टेट लेवल में उसका भी मेडल है। अच्छा, बहन छोटी बहन भी आराधना यादव, तो अभी हाल में ही बलिया में गई थी स्टेट लेवल में, उसका ब्रॉन्ज मेडल था इस बार। अच्छा, और भी पाँच बहनें बताते हैं। पाँच बहनों में इकलौता भाई था अनुराग। तो और पांच बहनों में से शादियां भी हो गई? तीन बहनों की शादी हो गई है, दो बहनें हैं। अच्छा, दो बहनें हैं। हाँ, एक बड़ी बहन है और आराधना जो थी अनुराग से छोटी थी। उनके परिवार का खर्च वगैरह कैसे चलता था? वो दूध है, दूध बेच के चलता था। अच्छा, दूध का बिजनेस था। जी, दूध का नहीं, एक ही दो भैंस है जो 2000 लीटर जाता था सुबह शाम में। पिताजी कहीं बाहर? पिताजी बाहर नहीं रहते थे, अभी जल्दी में 10-12 दिन हुआ था, कोलकाता गए थे काम के सिलसिले। काम के सिलसिले में इससे पहले भी काम करते थे ना? इसके पहले गरीब रहते थे। अच्छा जी, गरीब पे रहते थे, मतलब फिर सोचे कि काम करने के लिए बाहर जाएं। जी जी सर। तो मकान भी उनका कच्चा है इस तरीके से, उसी में लोग रहते जीवन यापन? जी, उसी में गुजर बसर होता था हम लोग का। तो फिर इतना ऐसा कैसा, वो रमेश यादव से कभी आप मिले थे जो गर्दन काट दी? हाँ, हमेशा मिलना जुलता था, सुबह कभी कभी वॉकिंग में सब टहलने जाए, अनुराग भी जाए। अनुराग पापा का बोलते भी, अनुराग को समझाते थे उन लोग से दूर रहा करो, वो लोग कुछ भी अंजाम कर सकते हैं जमीन जायदाद लेने के लिए। अच्छा, क्योंकि बहुत 40 सालों से मुकदमा चल रहा था, तो अनुराग बोलता था नहीं पापा ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ऐसा कभी लगता था कि इस प्रकार का कृत्य वो जो रमेश यादव कर सकता है, किसी का गर्दन काट सकता? कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई सा मार देगा, जान से मार देगा। लड़ाई झगड़ा में तो किसी से जा रहा था तो लाठी डंडे से कोई मार देता है, चोट वगैरह कुछ लग जाता है, लेकिन उसने पूरी प्लानिंग किया था उसको जान से मारने के लिए। अच्छा, जान से मारने की पूरी प्लानिंग पहले से? हाँ, नहीं तो सुबह सुबह किसी के पास गुस्सा रहेगा किसी का जान मारने के लिए। सुबह सुबह आदमी उठता है तो कोई किसी की जान थोड़ लेगा। अच्छा, वो उनका एक भाई था, वो दरोगा था? दरोगा है, मतलब उसी के बलबूते राजेश यादव, राजेश उसी के बलबूते है, वो इतना वो उसका था। तो दरोगा कभी आते थे गांव में आप लोग? आता था, वो भी ऐसे धमकी देता था फोन पे, बोलता था उन लोग को कि पूरा सबको सफा कर दो, हम देख लेंगे। अच्छा, इतनी मतलब उससे बोलता था कि सबको सफा कर दो, हम देख लेंगे बाकी। अच्छा जी, तो वो दरोगा ही था कि दरोगा ही है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन ऑन है इस प्रकार? उसका आतंकियों से कनेक्शन था, भी था। वो झारखंड में रहता तो हत्या मर्डर वहाँ भी इसे करता रहा होगा, उसका एक्सपीरियंस रहा होगा काटने का, नहीं तो कैसे एक काट देता एक बार में। अच्छा, वो जो रमेश अच्छा। उसका भाई जो क्या राजेश है, वो भी उसका भी आतंकियों से कनेक्शन है। अच्छा, वो भी झारखंड में था? वो भी रहता था, उसके जो पिता है लालता, वो भी कोयलारी में रहता था झारखंड में। अच्छा, वो भी ऐसा है बदमाश किस्म का, वो डकैत पूरा है। देख लीजिए, ये ताइक्वांडो खिलाड़ी जो अनुराग यादव थे, जो अब जो है इस दुनिया में नहीं हैं, उनके ये कोच हैं और ये खुद बता रहे हैं कि बड़ा जुड़ाव रहा है, मिलते रहे, अनुराग यादव के घर पे भी थे, उनकी एक बहन थी, बहन है जो अनुराधा करके, वो भी ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल जीती है।